प्लास्टिक कचरा जो है एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से निजात के लिए साथ ही इसमें जो लोग संलग्न हैं या जो डिपेंड हैं, जिनको हम रैक पिकर्स या कचरा चुनने वाला बोलते हैं, उनको कैसे एक सम्मानजनक रोज़गार दें, तो उनका सम्मानजनक रोज़गार और प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन, इन दो इश्यूज़ को लेते हुए हम लोगों ने 2007 में प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रैक पिकर्स उत्थान परियोजना की शुरुआत की, और एक शून्य बजट परियोजना थी जिसमें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम भोपाल ने हमें सहयोग किया, और तकनीकी तौर पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमें इसमें सपोर्ट किया। ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, नॉन यूजेबल है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन जैसी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए इस परियोजना आज एक मील का पत्थर साबित हो रही है, और आज देश ही नहीं विदेशों के अंदर इस मॉडल को अडॉप्ट किया जा रहा है, और ऐसा प्लास्टिक जो नॉन रिसाइकलेबल था, नॉन यूजेबल था, इस प्लास्टिक को कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स के माध्यम से, जिन्हें अब हम सार्थक कर्मी कहते हैं, उनके द्वारा इनको इकट्ठा किया जाता है। हमारे अलग अलग जगहों पर कलेक्शन सेंटर हैं जिनको हम लोग MRF बोलते हैं। इन MRF के माध्यम से प्लास्टिक कलेक्ट होकर हमारे इस प्रोसेसिंग सेंटर पर आता है, जहाँ पर हम इस प्लास्टिक को प्रॉपरली 13 की कैटेगरी में सेग्रीगेट करके इसको एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल रोड कंस्ट्रक्शन और रिसाइकल करके इसका अंतिम निष्पादन करते हैं, और इस पूरे प्रोग्राम को हमने स्केल अप करने के लिए दूसरे और शहरों के अंदर इसको शुरू किया है, और अभी UNDP के थ्रू इसको हम लोगों ने पंजी, बैंगलोर, हैदराबाद, राजकोट जैसे 22 शहरों के अंदर इस प्रोजेक्ट को अभी रिप्लिकेट किया गया है, साथ ही 7 और स्टेट्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है चालू कराने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। विभिन्न प्रदेशों के सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स बीच बीच में आकर इस प्रोजेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करके अपने अपने राज्यों के अंदर इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। कितने घंटे काम करती हैं यहाँ पर, क्या ड्यूटी है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी करती हूँ। और दिन भर में क्या काम होता है आपका? दिन भर में मेरा यहाँ पे एंट्री करना रहता है, जो भी रैंक स्पीकर्स आते हैं उनसे वेस्ट मटेरियल खरीदी करके उनको कैश पेमेंट करती हूँ। कब से कर रही हैं और पहले क्या करती थी? पहले मैं रैंक स्पीकर्स थी, लेकिन अली सर के साथ में जुड़ने के बाद 1 साल हो गया मैं यहाँ पे इंचार्ज हो गई। कितना कमा लेती है, पहले कितना कमाती थी, अब कितना कमा लेती? पहले पर डे 150 रुपये कमाती थी, लेकिन अब यहाँ पे मुझे सैलरी मिलती है। कबाड़ खाने में थोड़ा ज़्यादा मजदूरी करना पड़ता था, और टाइम भी थोड़ा ऐसा ही था, और पैसे भी टाइम से नहीं मिलते थे, इधर पैसे भी टाइम से मिलते हैं, और अपने 10 बजे आओ 6 बजे उठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलता, अच्छा आएगा। पहले की ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है सर। जैसे पहले की ज़िंदगी में इतना रोज़गार नहीं कमा पा रहा था, अब सार्थक संस्था में जुड़ने से काफ़ी रोज़गार बढ़ चुका है हमारा, अच्छे से आनंद मिल चुका है। पिछले 5 सालों में 32,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक मध्य प्रदेश की 13 सीमेंट प्लांटों के अंदर जलवाया है, जिससे कि हजारों मैट्रिक टन कोयले की बचत हुई और साथ ही पर्यावरण का संरक्षण हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगभग 4,200 किलोमीटर प्लास्टिक से रोड बनाई गई है, और ऐसे सस्ते रोड बने हैं जिनकी अवधि जो है आम रोडों से 3 times ज्यादा है, 10-10 साल 12-12 साल ये रोड चल रहे हैं, और 12-13% इस रोड की कॉस्ट भी जो है वो कम आई है। साथ ही ऐसा प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकलेबल है उसकी हम लोगों ने शीट बनाई है, इस शीट का काम फर्नीचर के अंदर हो रहा है, जिससे व्हील चेयर्स, गार्डन चेयर, डस्टबिन और बहुत सारे चीज़ें जो हैं कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स के समूह के द्वारा बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है उसमें से कुछ प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल करके उसका लम्प्स भी बना रहे हैं, जिससे कि पानी के पाइप, शीट्स और दूसरे तरह के उपकरण बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के प्लास्टिक कचरे का सही तरह से डिस्पोजल हो, प्रॉपरली उसका सेग्रीगेशन कलेक्शन हो और साइंटिफिक उसका डिस्पोजल हो, इसके लिए काम किया गया है। इस परियोजना के जो रिजल्ट निकल कर आए हैं वो ये आए हैं कि नगरीय निकायों के अंदर जो प्लास्टिक की समस्या थी, जो नगर निगम के कर्मचारी इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, रैक पिकर्स के माध्यम से वो प्लास्टिक कलेक्ट हुआ है, जिससे निगम की समस्या हल हुई है। साथ ही कचरा बीनने वाले जिनकी आय पहले 60 से 70 रुपये थी, वो आय बढ़कर आज 400 से 500 रुपये में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो कचरा बीनने वालों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना था, क्योंकि हम जो कचरा फेंकते हैं इस कचरे को, हमारे सुबह उठने से पहले हमारे सार्थक कर्मी उस कचरे में से अपने काम की चीज़ों को निकालते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। कचरा चुनने वालों को इस
सार्थक संस्था से ये फ़ायदा हुआ है कि वो गली गली बाहर से कचरा बीन के उसमें से प्लास्टिक पन्नी ये सारी चीज़ें बीनते थे, तो बाहर के जो कबाड़ी लोग थे उनको इतना फुल रेट नहीं दे पा रहे थे। हमारे सार्थक संस्था आने से उनको रेट भी मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ गई है, और जहाँ कचरा डम हो रहा है वहाँ भी उनको बीनने की परमिशन मिल गई है, हमारा कार्ड दिया गया उनको, उनको भी अच्छी आमदनी मिल रही है, वो भी खुश है। कम से कम लोग इतने जुड़े हुए हैं, 8 या 10 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं हर सेंटर पे कचरा बीनने वाले।